अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ सनम, तुम्हें हनीमून पे चलने पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नमन जी, अब सब यही चाहते हैं तो चलते हैं। थैंक यू सो मच सुनैना। अब तुम्हें पता है मैं तो कब से चाहता था कि हम दोनों जो हैं वो अकेले में टाइम स्पेंड करें, ताकि जो बातें तुम खुल के यहाँ पे नहीं कह पाती हो वो कह सको। हाँ नमन जी, शायद अब ये बात बाहर जाकर ही हो पाए जो हम यहाँ आपसे नहीं कह पा रहे। देखो, फील तो मुझे भी हुआ था कि कोई तो बात तुम मुझे बताना चाहती हो लेकिन मुझसे कह नहीं पा रही हो। लेकिन अब उसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? देखो, कोई भी बात हो तुम उससे यहाँ पे कह सकते हो। अब एक एक मिनट, इधर आराम से बैठो। देखो सुना ना, मैंने डोर जो है वो अंदर से बंद कर दिया। अब इस कमरे में सिर्फ दो लोग, एक मैं और एक तुम, तो तुम कोई भी बात जो है वो मुझे एकदम बेझिझक बता सकते हो। बताओ। अमन जी, असम यही कहना चाहते हैं कि शायद ये साथ बस कुछ दिनों का क्यों ना। आपने हमेशा हमारा बहुत ध्यान रखा है, मैं बहुत प्यार किया है। हमें तो कभी कभी फील होता है कि हम आप जैसा इंसान डिजर्व ही नहीं करते हैं, फिर भी आप हमें मिले। सुनैना, कैसी बातें कर रही हो तुम? सच बताओ तो इस दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और एक और बात का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इस जन्म में साथ देके तुमने मुझसे अपना पीछा छुड़ा दिया, बल्कि हम दोनों का रिश्ता सात जन्म तक। कैसे तोड़ पाएंगे हम आपका दिल, कैसे बता पाएंगे हम आपको सच? ठीक है ना जी, अब आप ही हमें शक्ति देना और नमन जी को हिम्मत। सुनैना के व्रत वाला बात उनके घर वाले नहीं जानते हैं, ये बात हमको कुछ हजम नहीं हो रही है। ये बात तो हम भी सोच रहे थे जीजी, कि ये लड़की कहीं नमन को अपने से दूर रखने का बहाना तो नहीं कर रही फिर से। एक बात तो आप बहुत ही अच्छा की है कि दोनों को ना हनीमून पे भेज दी। हाँ। इससे सब कुछ पता चल जाएगा और फिर शायद नमन के सर से ना उसका भूत भी उतर जाए। लेकिन चीची, आप जो वो बाबू साहेब का आधा जायदाद लूटने का, मेरा मतलब है कि आधा जायदाद पानी का जो प्लान बनाई थी उसका क्या होगा? अगर सुनैना अलग हो जाएगी तो नमन को तो बाबू साहेब एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। जीजी, उसके बारे में सोचिए कुछ आप। नरेश सिंह वैसे भी नमन को फूटी कौड़ी नहीं देगा, पहले हम ये सुनैना नाम की उलझन से छुटकारा पा लें, फिर आगे की बात पे अमल करेंगे। अरे पंकजा, ये सारा डेकोरेशन, हे आज तो किसी का हैप्पी वाला बर्थडे भी नहीं है, फिर काईली करी हुई सब। मम्मी, जरूरी थोड़ी है कि तामझाम के लिए किसी का बर्थडे ही हो, हमको ना उससे भी बड़ी वजह मिल गई है जश्न मनाने की, सुनैना की तबाही। हमारी लगाई आग की वजह से हनीमून पे जा रही है अपने नमन सिंह के साथ, अब उसका भांडा फूटने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस खुशी में बड़े पापा आतिशबाजी तो नहीं करने देंगे, तो इसलिए
ये बलून बलून फोड़ के खुशी मनाएंगे। अच्छा तुमको पता है हम जो है ना हम इतने से की रहे थे और तुम तो इतनी बड़ी वाली की रहे हो। थोड़ा सा गंभीर होना कब सीखोगी तुम? तुमको क्या लगता है कि तुम्हें गुब्बारा फाड़ के जो बैल वाला हरकत की हो उससे वो राजकुमारी तुमको बहू बना लेंगी? नहीं बनाने वाली मम्मी, वो हमको देख थोड़ी नहीं है और बहुत तो हम उनके बन के रहेंगे और नमन के जख्मों और कुरेद के खुद ही उस पे मरहम लगाएंगे। वैसे माफ तो नहीं किए हम उनको, मंडप में छोड़ के गए थे ना हमको। फिर कोई नहीं, मालदार पार्टी तुमको रिझा कर उस घर पे राज करेंगे। अरे पंकजा, अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि जब नमन सिंह को सुनैना का सच पता चलेगा तो कैसे शैम्पू वाला पानी से 100 बार कुल्ला करके साबुन वाला पानी में 100 बार डुबकी मारेगा। बहुत ही मजा आने वाला है पंकू। अच्छा रोशनी विशाल, वहां से जमशेदपुर फिर पटना और मुंबई, खबर तो पक्की है ना? तुझे भी चलना है मेरे साथ हनीमून पे? कबाब में गुड्डू बनना चाहता है तू? चल जा, नहीं बताऊंगा तुझे कि मैं कहां जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन क्या है। अभी मुझे थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है, बाद में बात करता हूँ, बाय। अब बाबा कहीं जा रहे हो का? हाँ माम, कुछ काम है आपको? नहीं, हमको तुमसे कुछ बात करना था। अच्छा तो कहिए। नहीं हाँ नहीं, तुम आओ हमारे साथ। तो बढ़िया किए परवेश, लोकेशन का पता लगा लिए तुम। हाँ भैया, वो रोशनी रिसोर्ट फिर जमशेदपुर फिर पटना फिर मुंबई, आपको क्या लगता है कहाँ करना चाहिए उनका काम? तुम ज्यादा समय ना लगाओ परवेश, जैसन मौका मिले उड़ा दो। ठीक है, मतलब रोशनी रिसोर्ट। रजत भाई कल रात से घर नहीं आए हैं। कार नंबर 6598 क्या इसी घर की है? मेरे हस्बैंड का है। उस कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और जो उस कार को चला रहा था वो मारा गया है। डेड बॉडी लेके आओ। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। माँ आपने डोर लॉक कर दिया, ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट बताने वाली है आप मुझे? हे टॉप सीक्रेट नहीं बहुआ, टॉप डेंजर बात है। हम बस तुमसे ही कहना चाहते हैं कि तुम हनीमून पे जाओगे ना बहुआ तो उस सुनैना पर नजर रखना। माँ सुनैना पे नजर, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं उसके पापा पर कतई भरोसा नहीं है हमको। पीछे पीछे कौन मुसीबत ना भेजते, कम खुजली नहीं है उसे। बदले की आग में झुलसा चला जा रहा है, लबर लबर करके जब देखो उसकी जिंदगी में आ जाता है। बस 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 आप शांत हो जाएं। अच्छा ठीक, मैं आपकी बहू को संभाल लूंगा, सो प्लीज डोंट वरी। अभी आप चिल रही है। ये ध्यान रहे परवेश कि सीबीआई को भी वो राजकुमारी का लौंडा मिले तो ऐसा हालत में मिलना चाहिए कि लगे कि तगड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ है। दोनों तरीका सोचे हैं भैया, एक्सीडेंट से उड़वाएंगे और ना हुआ तो गुंडे लोग से मरवाएंगे, लेकिन वो नमन जिंदा लौट कर वापस ना आएगा।
गोल मटोल शरीर में इतना तेज तर्रार दिमाग है पैना वाला। अच्छा है परवेश, अच्छा है, दोनों दोनों तरीका सोच लिए हो। भैया हम भक्त किसके हैं? आप ही तो सीखे हैं सब दाव पेच, आप कहें तो पूरी दुनिया को जला दें। नहीं परवेश, भक्त नहीं हो तुम, हमारे छोटे भाई हो, हमारे बेटे जैसा हो। और पूरा दुनिया नहीं जलाना है मैं परवेश, सिर्फ राजकुमारी का घर जलाना है और उस सुनैना को इतना लाचार कर देना है कि खुद ब खुद अपना दुनिया में लौट जाए। अच्छा मैम, सुनैना की इतनी फिक्र? एक बार बताऊं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि सुनैना धीरे धीरे आपकी फेवरेट होती जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोनों की फेवरेट जो है सेम है तो मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाबा, हमारी परेशानी सिर्फ नरेश सिंह का बर्ताव नहीं है, सुनैना का व्यवहार भी है। मतलब मैं समझा नहीं मां। बाबा, हमको लड़की जो है ना बहुत रहस्यमय लगती है। देखो, उसके बाप का उसके लिए नफरत करना और फिर बार बार उस पर हमला होना और उसके माँ बाप का उसके लिए डर और फिर लड़की का वो व्रत रखना। पता नहीं बाबा, ये सब बातें तुम्हारे मन में कैसा पैदा नहीं करती। हमको तो ऐसा लगता है कि जो बाप है वैसे बाबा हम तुम्हारे दिमाग में कोनो सकना ही डाल रहे हैं। भगवान करे तुम्हारा हनीमून बहुत अच्छे से हो, तुम दोनों का रिश्ता बहुत गाढ़ा हो। बबुआ, हमारी बात को भी ध्यान में रखना और कोशिश करना सुनैना से जानने का। देखिए माँ, अभी आप ज्यादा ओवरथिंक कर रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये बात आपके दिल में बैठ गई है तो फिर मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है बाबा, तुम सावधान भी रहना और जो वो खतरे वाली बात है ना वो भी अपने। हाँ 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 हाँ, सब ठीक है, हर चीज का ध्यान रखूंगा। पक्का? पक्का। अमन जी को अपना सच बताने से पहले बचा हुआ वक्त खुलकर जीना चाहते हैं उनके साथ, ताकि बची हुई जिंदगी उन्हीं लम्हों को याद करके खुश रहने की कोशिश कर ले बस। हेलो माँ। सुने ना, कहाँ कर रही हो बिटिया? मतलब तैयारी कर ली हो का? हाँ माँ, बुरी तरीके से तैयार। सुने ना बेटी, हम हमारी बात मान लो, तुमने मन बना ही लिया तो। सुनो ना सुने ना, हमको और बाबू साहब को बस कुछ वक्त और दे दो। हम कुछ भी करके तुमको वहां से निकाल लेंगे। सुने ना, एक बार हमारी बात सुन लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। नमन से कुछ मत कहो बेटिया। नहीं माँ, सॉरी, आप अभी हमसे हमारी जान मांग लो, हम आपको खुशी खुशी दे देंगे। नमन जी को धोखा नहीं दे पाएंगे, सॉरी। भले उसके बाद वो हमें अपनी जिंदगी से क्यों ना निकाल दे। सुनैना, माँ हम रखते हैं पैकिंग करने। टैंग टैंग। अरे दे 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 दे। सुनैना, तुमने अभी तक कुछ भी पैकिंग नहीं की। सुनैना, तुम ना मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ।
अब देखो सुनैना, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है कि हम दोनों पहली बार एक साथ जा रहे हैं, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ओके रमन जी, हम करते हैं। इतनी क्यूट हो ना तुम सुनैना, मुझे पक्का यकीन है कि हमारे बच्चे ना एकदम तुम्हारे ऊपर जाएंगे। बताए सुनैना, मैंने सोचा है ना कि मुझे मिनिमम ना एक बेटी तो चाहिए जिसका नाम होगा नैना। सुनैना की नैना, और जिसे हम बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाएंगे, ताकि उसे भी मेरे जैसा प्यार करने वाला प्यारा सा लड़का मिले। सुनैना, तुम पत्नी नहीं निभा सकती, अपने पति को वो सुख नहीं दे सकती, उनके बच्चों की मां नहीं बन सकती। नहीं, तेरी सच्चाई हो रे, अपना मुझे। क्या हुआ, तुम्हें बेटा चाहिए? देखो, अगर तुम्हें लड़का चाहिए तो कोई बात नहीं, एक बेटा एक बेटी, फिर उसके बाद आगे जो भी होगा वो चले। अरे यार, तुम तो कुछ बोलो, मतलब फैमिली प्लानिंग भी मैं अकेले करूं? मुझे ना बहुत ही शर्मीली बीवी मिली, मतलब फैमिली प्लानिंग करने में भी वो शर्मा रही है। इस माँ की तो बिल्कुल नहीं चल रही, आप तो सबकी माँ, कुछ चमत्कार कर दीजिए ना, हमारी बेटियां इतना दाना नहीं समझ पा रही। आप भी उसको पुत्री दे सकते हैं। देवी मैया, अगर उसने नमन को सच बता दिया ना, तो नमन तो उसे नफरत करेगा ही, पर पूरा परिवार उसे नफरत करेगा, पूरी दुनिया की जान की दुश्मन बन जाएगी। भगवान, सॉरी बड़ी माँ, गलती से गिर गया। वैसे हमने सुना है कि दूध का गिरना अपशगुन होता है ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है बड़ी माँ। ऐसे ही देवी मैया आपकी कुछ नहीं सुन रही, ऊपर से ये अपशगुन भी अपशगुन होते जा रहे हैं। पैसे दो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, खुश रहो। क्या रे सुनैना, कैसी है रे तू? अरे भाई, अरे डरती क्यों है, यही तो तेरी असलियत है, एक्सेप्ट कर ना। नहीं नहीं,
सुनैना क्या हुआ, डर क्यों रही हो? अरे ये लोग कुछ करेंगे थोड़ी ना, एक काम करो इनको पैसे दे दो, ये दे दो। सुनैना सुनैना माता रानी तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखें। सो माय ब्यूटीफुल वाइफ, ख्वाबों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां पे हम दोनों के सारे ख्वाब पूरे होंगे। अंदर चले मैम, चलिए। अमन जी अचानक बारिश कैसे होने लग गई? अचानक से नहीं, इसकी भी मैंने प्लानिंग की थी कि जैसे ही हम एंटर हो भगवान जी प्लीज आप बारिश कर देना, और भगवान जी ने जोर की बारिश कर दी। इसका मतलब पता है क्या है? भगवान जी भी हमारे साथ हैं। तो चलो नमन जी। नमन जी कहाँ जा रहे हो? भीग जाएंगे। नमन जी देखो मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। नमन जी नहीं। चलो जल्दी से क्या कर रहे हो? नमन जी जल्दी आओ। नमन जी क्या कर रहे हो? भीग जाएंगे। चलो 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 चलो। सुनो नमन जी। नहीं नहीं नमन जी चलो। हाँ सर, वो दोनों रिजॉर्ट आ गए। बहुत भरोसा किया है तुमने, नाक मत कटाना।